नमस्कार, आप सभी को मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। अरब सागर में उत्पन्न हुए चक्रवात बिपरजॉय प्रचंड चक्रवात का रूप ले लिया है। बिपरजॉय के प्रभाव पूरे भारत देश में देखने को मिल रहा है। देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह मौसम में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात, मुंबई सहित देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, बंगाल सहित कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी और करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही बिपरजॉय तेजी से पाकिस्तान के कराची की ओर भी बढ़ रहा है। बिपरजॉय की भयावहता को देखते हुए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में निचले इलाकों से 1,00,000 लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना को तैनात किया गया है। ये कराची से अभी 410 किलोमीटर दूर है। चक्रवात बिपरजॉय एक बंगाली शब्द है, इसका अर्थ होता है आपदा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने साल 1998 में आई भयंकर तूफान की याद ताज़ा कर दी है। इस तूफान को याद कर आज भी गुजरात के लोगों की रूह कांप जाती है। आंकड़ों की माने तो तबाही ने देश भर में 10,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात का कंडाला पोर्ट और कच्छ हुआ था। इस बार भी IMD ने बिपरजॉय के लिए गुजरात की कई जगहों पर तबाही को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो बिपरजॉय 15 जून तक गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंच सकता है। हालांकि इसके और भी अधिक गंभीर होने की चिंता है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद गुजरात सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम कल से जारी कर दिया है। चक्रवात बिपरजॉय की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारा उद्देश्य जीरो कैजुअलिटीज सुनिश्चित करना और संभावित नुकसान को कम करना है। उन्होंने कहा कि 12 जून को उनकी अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के दौरान PM मोदी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्देशों पर तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने केंद्र और गुजरात प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारी की समीक्षा के बाद ये बात कही। वहीं पश्चिमी रेलवे CPRO सुमित ठाकुर ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर हमने वॉर रूम बनाए हैं, हमने इस पर निगरानी रखे हुए हैं। हमारे लगभग 2500 कार्यबल RPF के जवान मौके पर तैनात हैं। हमने 69 ट्रेन रद्द व 30 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट कर दी है। वीरमगाम, राजकोट, ओखा आदि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाके हैं, वहां हमने मालगाड़ी को भी रद्द कर दिया है।